हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पल्साया नर्सिंग क्लासेज में। और कि आपके सामने है डेली बूस्टर डोज। क्वेश्चन ऑफ द डे आज क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज। कहने का मतलब, तात्पर्य क्या है कि हाइपरटेंशन की जो स्टेज सेकंड है कौन सी कंडीशन में कहलाएगी। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करते हैं, तो हाइपरटेंशन की बात करें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं HTN। नॉर्मल कितनी होती है हाइपरटेंशन, तो 120 बटे में 80। ये क्या है, आपकी सिस्टोलिक है, ये आपकी डायस्टोलिक है, MM ऑफ HG, ये नॉर्मल है। अब बात करें इसके बारे में कि हाइपरटेंशन है क्या। देखिएगा, हाइपरटेंशन के अंदर नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। अगर इसका टाइप की मैं बात करूं, कि टाइप्स की बात करूं, तो बेसिकली ये टाइप्स में कितने प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। क्लियर है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अभी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, प्राइमरी क्या होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसका अगर मैं कोच की बात करूं, ये क्या होती है, अननोन होती है। ये क्या होती है आपकी, अननोन होती है। कोच कैसा होता है, अननोन होता है। ठीक है, लेकिन अज्यूम किया जाता है आपका, कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, यह इसकी वजह से होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं इसी में, एक आपका रेनिन एंजियो एंजियोटेंसन, ये रास सिस्टम जो बोल रहे हो, मैकनिब्स की वजह से होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी होता है। किससे होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी देखने को मिलता है। तात्पर्य क्या है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि सिंपेथेटिक नर्व में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो इसमें होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। और ये मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब, प्राइमरी हाइपरटेंशन। कैसा है, मोस्ट कॉमन है, 95% क्लाइंट में यही देखने को मिलता है। क्लियर है, अब बात कर ले सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार से इसको दूसरा नाम या फिर इसमें क्या होता है, मैं बोल सकता हूं कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन वाला हाइपरटेंशन कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब पैथोलॉजिक कंडीशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, रेनल फेलियर, या फिर बोल सकते हैं CKD फेलियर वाला, या मैं बोलूं हार्ट फेलियर वाला। ठीक है, ये कैसा है आपका, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है प्री हाइपरटेंशन। क्या होता है, एक आपका होता है प्री हाइपरटेंशन, और एक होता है आपका स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, एक आपका होता है स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। क्लियर है, तो अगर बात करें स्टेज हाइपर सेकंड, सेकंड तीन हो गई, प्री हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, इससे स्टेज सेकंड, और एक होता है आपका मेलिगेंट हाइपरटेंशन। क्या है आपका, मेलिगेंट हाइपरटेंशन। इसी को मैं बोल दूं, हाइपरटेंशन को दूसरा नाम दे दूं कि क्राइसिस हाइपरटेंशन, या इसी को मैं बोल दूं इमरजेंसी हाइपरटेंशन, इमरजेंसी हाइपरटेंशन, और इसी को क्या बोल दें, इमरजेंसी हाइपरटेंशन हो गया। तो तीन नाम हो गए, मेलिगेंट हाइपरटेंशन, क्राइसिस हाइपरटेंशन, और आपका इमरजेंसी हाइपरटेंशन।
अब देखिएगा, अभी जो है देखते हैं कि साहब प्री हाइपरटेंशन की क्या कंडीशन है, कब बोलते हैं ये बात सामने आनी चाहिए। अगर मान लीजिएगा सिस्टोलिक, एस फॉर सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक अगर प्रेशर आपके सामने 120 से लेके 139 mm ऑफ Hg की कंडीशन में हो, और साथ में डायस्टोलिक 80 से लेके 89 की कंडीशन में हो, ये आपकी कहलाती है प्री हाइपरटेंशन स्टेज। क्लियर है? सिस्टोलिक प्रेशर अगर स्टेज फर्स्ट की मैं बात करूं, इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे सभी में, तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर इसका 140 से लेके 159 mm ऑफ Hg होता है, या मैं बोलूं 90 से लेके 99 mm ऑफ Hg होता है, वो आपका इंक्लूड होगा किसमें? स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में। स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करेंगे, जैसा मैंने बोला। सिस्टोलिक अगर मैं बात करूं, इसमें प्रेशर कितना होता है, तो ध्यान रखना मोर देन 160। कितना होता है? मोर देन 160। और डायस्टोलिक कितना होगा? मोर देन 100 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। क्लियर है बात? mm ऑफ Hg। बात करें आपका मेलिगेंट हाइपरटेंशन, मेलिगेंट हाइपरटेंशन की बात करें तो मेलिगेंट में क्या होगा, देखिएगा इसमें मान लीजिएगा मोर देन 180 mm ऑफ Hg, ठीक है, और ये क्या है, 180 mm ऑफ Hg आपका सिस्टोलिक है। कैसा है? सिस्टोलिक है। और डायस्टोलिक की बात करूं तो आपका मोर देन 100 mmHg रहेगा, mm ऑफ Hg रहेगा, मोर देन 100 mm ऑफ Hg क्या रहेगा आपका? डायस्टोलिक। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, इस कंडीशन में ट्रीट करते इमीडिएटली, कैसा करते हैं? इमीडिएटली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट क्या हो सकता है? डेड हो सकता है। क्या हो सकता है? डेड, डेथ हो सकती है पेशेंट की। क्लियर है? तो आपके सामने मैंने क्या क्या पॉइंट रखे, टाइप की बात कर ली, दो प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। क्लियर है? प्राइमरी मोस्ट कॉमन, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल होता है, जिसको पैथोलॉजिकल बोल सकते हैं। स्टेज की क्लासिफिकेशन की बात की तो चार प्रकार के, प्री हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, और आपका मेलिगेंट हाइपरटेंशन। मेलिगेंट में 180 सिस्टोलिक, मतलब 180 से अबोव, और डायस्टोलिक आपकी 100 mm ऑफ Hg हो। अलग अलग मैंने क्या क्या है बात की है। क्लियर है? और आपके क्वेश्चन क्या था उसकी बात कर ले, क्वेश्चन क्या था उसकी चर्चा कर ले। हाइपरटेंशन स्टेज इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर, तो आपको क्या बताया मैंने अभी कि इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा आपका सी, कि भाई 160 से लेके 180 mm ऑफ Hg हो, 100 से लेके 19 mm ऑफ Hg हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो डेली डोज ऐसे ही मिलेगी आपको क्वेश्चंस ऑफ डे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डे बाय डे इसी प्रकार से आपको सुबह 6:15 बजे आपको डेली बूस्टर डोज के नाम से या फिर क्वेश्चन ऑफ डे के नाम से आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।